स्वामी विवेकानंद जिन्होंने दुनिया को एक नया आयाम दिया, एक नया संदेश दिया, लेकिन आज वाराणसी में उनकी यादें इस तरीके से खंडहर में तब्दील हैं जिसे देखकर हर काशीवासी यही कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जी हाँ, जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आए थे तो नदेसर पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के पास उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ चुनावी जनसभा की थी, रैलियां की थी, और उस समय उन्होंने वादा किया था कि वो स्वामी जी की विरासत को सहेजेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी वाराणसी में जहां हम मौजूद हैं, ये वाराणसी के अर्दली बाजार का क्षेत्र है, एलटी कॉलेज परिसर है, काशी स्वामी जी आए थे तो यहां पर उन्होंने लगभग 1.5 महीने तक प्रवास किया था उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए। लेकिन यदि आप नज़र फिराइएगा तो देखिएगा कि यहाँ पे जहाँ उन्होंने अपना स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रवास किया था, वो स्थिति, वो इलाका आज पूरे तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर मवेशी जानवरों के साथ साथ जुआड़ियों, शराबियों और हीरोइनबाजों का अड्डा लगा रहता है। जहाँ पर स्वामी जी की यादों को सहेजना चाहिए था, आज वो खंडहर खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। तमाम कोशिशें की गई, तमाम कवायदें की गई, लेकिन फिर भी ये विला आज भी एक खंडहर के रूप में तब्दील है, इसका संरक्षण नहीं हो पाया है। हालांकि कई बार इसको लेकर के काशीवासियों ने संघर्ष किया और इसको लेकर के उन्होंने देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम नेताओं को भी पत्र लिखा, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो हकीकत पे दिख रहा है वो आप देख सकते हैं। हालांकि कोरम पूरा करने के लिए वर्तमान में नया शिलापट्ट लगाया जा रहा है, लेकिन वो शिलापट्ट कब हकीकत के धरातल पर उभर कर आएगा ये देखना होगा कि क्या वाकई वो शिलापट्ट लगने तक ही स्वामी जी के इस धरोहर को रखा जाएगा या वाकई इस खंडहर को स्वामी विवेकानंद जी की याद में तब्दील किया जाएगा। क्योंकि ये मात्र एक खंडहर नहीं, स्वामी विवेकानंद की वो याद है जो हर काशीवासी के दिल में जिंदा है। जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, ये बहुत ही पाक जमीन है, ये बहुत ही पारस जमीन है। ये जो पीछे खंडहर आप देख रहे हैं, ये इस जगह पे 1904 में, जब 4 जुलाई 1904 को स्वामी जी का महाप्रयाण हुआ था, उसे मात्र 3-4 महीने पहले इसी मकान में, इसी गोपाल लाल विला, इसका नाम है, इस यहाँ 1 से 1.5 महीने ये स्वास्थ्य लाभ के लिए स्वामी जी आए थे और इस जगह पे ही स्वामी जी टहलते थे, इसी जगह पे रहते थे। ये देख रहे हैं आप जो गोल सा ये इलाका देख रहे हैं, ये फव्वारा था और इस जगह पे बहुत ही मनोरम दृश्य था। तमाम यहाँ पे रहते हुए उन्होंने लगभग दर्जनों चिट्ठियाँ लिखी होंगी, जिसमें 7 चिट्ठियों का तो रिकॉर्ड मिलता है जो कि हमारे पास अवेलेबल भी है। अभी हम लोगों ने इस पर श्रमदान करके इस जगह कुछ साफ सफाई लायक बनाया है, यहाँ खड़ा हो पा रहे हैं हम लोग, नहीं तो ये सुअर बाड़ा और हीरोइन बाजों का ये अड्डा रहता था यहीं। तो 2016 से हमारा जो काम था, हमने जो काम शुरू किया, लोगों को जगाने का काम शुरू किया, इस वक्त जो विधायक जी हैं रविंद्र जायसवाल जी, उन्होंने बहुत इसको टेक इट ईजी लिया। हमारा दुख शिकायत इस बात का है कि उनको जानकारी में शुरू से था। तो इस बार जो सपा के जो अभी MLC जीते हैं दो जो है, वो लोग घूमते टहलते आ गए, तो मंत्री जी लोगों को ये लगा कि ऐसा ना हो विरोधी पक्ष वाले यहाँ आके कुछ बड़ा कार्यक्रम कर दे, हम भी विवाद होगा, तब उन्होंने एक ये चौरा बनवाया। आप देख लीजिए, उस चौरे का कोई मतलब नहीं है, उस चौरे से हम एकदम सेटिस्फाइड नहीं है। इसको एज इट इज चाहते हैं हम लोग, ये चाहते हैं कि इस पवित्र जगह को इसी स्वरूप में संरक्षित करते हुए अगल बगल जितनी खाली स्पेस है गवर्नमेंट उसको एक्वायर करे, एजुकेशन विभाग से कैसे लगी ये गवर्नमेंट समझे, हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि अब बहुत देर हो रही है, यदि अब देर हो गई तो ये भवन गिर जाएगा। कभी भी आप देख लीजिए बड़े बड़े पेड़ उगे हुए हैं और यदि ये गिर गया तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। सोचिए जरा, जब कन्याकुमारी में एक दिन स्वामी जी रुके थे तो वहाँ पे एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया था, लेकिन जहाँ पर उन्होंने 1.5 माह का प्रवास किया, काशी जो एक धार्मिक नगरी है, जो एक सांस्कृतिक नगरी है, जहां पर तमाम ऐसी विरासतों को सहेज कर रखा गया है, ऐसे में स्वामी विवेकानंद की इस याद को एक खंडहर के रूप में छोड़ा जा रहा है जो वाकई बेहद दुख भरा है, बेहद दयनीय है। ETV भारत ये अपील करता है कि स्वामी विवेकानंद के इस खंडहर को, इस याद को संरक्षित रखा जाए, वरना वो दिन दूर नहीं जब ये खंडहर धराशाही हो जाएगा और यादें भी इसी में दबकर रह जाएंगी। प्रतिमा तिवारी, ETV भारत, वाराणसी।